अरे मूवी बहुत बेहतरीन है एकदम। बोलेगा तो आज के ज़माने के ऐसा ऐसा मूवी बनना मांगता है। नेचर के भी अच्छा मूवी है और ये मूवी देखेगा जो आदमी उनको काफ़ी पसंद आएगा। ये मूवी बहुत से आदमी लोग ने देखना मांगता है। जैसे पहला पुराने ज़माने में अमिताभ बच्चन का मूवी जैसा चल रही थी वैसा मूवी ये आज बनाया है, ये मैं कहूँगा। हाँ इसको मैं मेरे हिसाब से तो 70 अपना टक्का देंगे रेटिंग देंगे। फिल्म वाकई थोड़ी अच्छी है, उनकी दो तीन मूवी आई जो आगे और अच्छा काम करेंगे तो थोड़ा नाम होएगा इंडस्ट्री के अंदर। और जो हीरो है रोल भी अच्छा है उनका, काफ़ी थोड़े बहुत सीरियल में थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे मगर इंडस्ट्री के अंदर आगे फिर भी अच्छा नाम कमाए उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर। फिर आगे कोई उनको कोई बता नहीं सकते कि इंडस्ट्री के अंदर कोई नए नए हीरो आ जाते। फिल्म अच्छी है, चलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और हाँ सम्राट खंडेवार का रोल बहुत अच्छा था, बढ़िया था। पाँच में से चार। मूवी बहुत अच्छी लगी एंड कंगना ने बहुत अच्छा काम किया है, वीरदास ने भी बहुत अच्छा काम किया है और एक डार्क फिल्म है। इलेक्शंस के टाइम के हिसाब से जो दिखाया गया है वो गांव साइड या बाकी के एरिया में ऐसा होता ही होगा जैसे दिखाया गया है। कंगना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं इसको 5 में से 4 दूंगा। अगर वो लास्ट में मारी नहीं जाती थी तो मैं 5 में से 5 देता था, लेकिन उसको मार के थोड़ा अच्छा नहीं लगा। शी शुड हैव बीन अलाइव इन द एंड। इट्स अ वेरी गुड मूवी, थोड़ा मतलब बहुत डार्क मूवी है, अच्छी लगी, समथिंग डिफरेंट। कंगना ने बहुत अच्छा काम किया है और वीरदास ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया है और पीयूष मिश्रा स्पेशली मामा जी को मैं यहाँ मेंशन करूँगी, ही वॉज अ वेरी गुड एक्टर, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई। सो रेटिंग मैं उसको 3.5 दूंगी।